धूम देखी जा रही है। तरह तरह की पिचकारियों और रंगों से बाजार सज चुके हैं। इसके साथ ही होलिका दहन की भी तैयारियां लोग करने लगे हैं। होलिका दहन का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। वहीं कहा जाता है कि होलिका दहन से वातावरण में मौजूद बैक्टीरिया भी नष्ट हो जाते हैं, लेकिन आमतौर पर होलिका दहन के लिए लोग लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे पर्यावरण को खतरा रहता है। इस समस्या को दूर करने के लिए और इको फ्रेंडली होलिका दहन की दिशा में सूरत की संस्था ने बड़ा कदम उठाया है। ये संस्था है सूरत पंजारा पोल ट्रस्ट। इस ट्रस्ट की कोशिश है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना परंपरा को निभाया जाए। इसके लिए संस्था गोबर स्टिक बना रही है। गोबर से बनी इन स्टिक्स को लकड़ी की जगह इस्तेमाल किया जा सकेगा। ट्रस्ट के अध्यक्ष का कहना है कि उनके यहाँ अब तक 80 टन गोबर स्टिक बनकर तैयार हो चुके हैं और अभी भी इस पर काम चल रहा है। गोबर स्टिक के इस्तेमाल से लकड़ी का प्रयोग कम होगा और पर्यावरण को नुकसान से बचाया जा सकेगा। हमारे यहाँ पुरातन युग से जो चला ही आ रहे हैं कि जो होली हम कर रहे हैं, तो होली चलाने के लिए हम गोबर स्टिक का यूज़ करते थे, गाय के छाण का। तो हमारे यहाँ क्या है, हमारी चार ब्रांच में 7,500 से ज़्यादा हमारे पास पशु हैं, तो उसके लिए हमारे पास वो तो इनफ था, पूरा गाय का जो छाण था। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना अगर हमें जंगल को भी बचाना है, पर्यावरण की शुद्धि भी लाना है और गौ पालन गौ सेवा को भी हमें बचाना है, तो ये हिसाब से हमने वी हैव स्टार्टेड। लास्ट ईयर भी हमने 10 से 12 टन किया था, लेकिन ये साल हमने 70-80 टन तो ऑलरेडी बन गए हैं और अभी भी हमारा बनाने का चालू है। इसमें फ़ायदा ये है कि एक तो जो जंगल का नाश हो रहा है, क्योंकि हम लकड़ी यूज़ करेंगे, तो आज सूरत में मिनिमम आप देखेंगे तो 2,500 से 3,000 होली प्रगति है हर अलग अलग जगह पे। तो उसके सामने अगर लकड़ी भी बच जाएगी, दही जो गाय का गोबर है उसकी ठीक है, ये यूज़ करेंगे तो जंगल हमारा बचेगा, पर्यावरण की शुद्धि होगी, वातावरण में भी ये जो हमारे छाण से यूज़ करते हैं तो उससे अपना पॉजिटिवनेस ज़्यादा आती है, हमें ऑक्सीजन भी ज़्यादा मिलता है और ये जो है हम तो गौ सेवा की इनडायरेक्ट सेवा कर सकते हैं। जी हाँ, इस तरह आप देख सकते हैं कि किस तरह सूरत के इस ट्रस्ट ने इको फ्रेंडली होलिका दहन को प्रमोट करने के लिए गोबर स्टिक का निर्माण किया है। अगर सच में लकड़ियों की बलि दिए बिना इको फ्रेंडली होलिका दहन किया जाए तो न सिर्फ ये हमारे वातावरण के लिए लाभदायक होगा बल्कि जंगलों और पेड़ों के संरक्षण में एक बड़ा कदम साबित होगा। इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंचे।